हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए कुछ तो पॉजिटिव न्यूज़ आई है, धमाकेदार न्यूज़ आई है। यस, म्यूचुअल फंड ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है आइए जानते हैं। इसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम हैंडल करे, तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में जब मैं वीडियो बना रहा था, मुझे एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन निकलना है, तो वीडियो थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो जब तक 67 लाख का वॉल्यूम हुआ था BSENA से मिलाकर, जो कि अभी भी वॉल्यूम अभी बढ़ ही रहा है, हो सकता है मार्केट बंद हो जब तक और भी वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखे। और सेलिंग का प्रेशर अगर देखा जाए तो NSE BSE मिलाकर करीब करीब 4.30 करोड़ शेयर सेलिंग के लिए लगे हुए हैं, जो कि प्रेशर अभी भी बना हुआ है। मैं प्रेशर आप देख सकते हो धीरे धीरे कम हो रहा है। कल करीब करीब 5 करोड़ प्लस का था सेलिंग प्रेशर, अभी 4 करोड़ प्लस का है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि म्यूचुअल फंड ने कितना होल्डिंग बढ़ाया है। निप्पो ने होल्डिंग बढ़ाया है अपना, जो कि पहले 7,25,000 शेयर्स थे, वो बढ़ाकर कर लिए कंपनी ने, निप्पो इंडिया ने 7,70,000 शेयर्स 6% से अपना होल्डिंग ब्राइटकॉम ग्रुप में इन्होंने बढ़ाया है अगस्त महीने में। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में जुलाई में जो होल्डिंग था वो था 5,19,000 शेयर्स का, जो कि बढ़कर हो गया है 5,39,000 शेयर्स का। तो इसमें भी 4% से अपना होल्डिंग मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड ने बढ़ाया है, ये भी पॉजिटिव बात है। और एक फंड का अपडेट आया है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 250 स्मॉल इंडेक्स फंड का, जिसका होल्डिंग जुलाई में था 4,70,000 शेयर्स, जो कि बढ़कर हो गया है 4,91,000 शेयर्स। इसमें भी हमें 4% का हमें जंप देखने को मिल रहा है होल्डिंग में, तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात है कि म्यूचुअल फंड का होल्डिंग बढ़ के आया है। हालांकि हम ये कह नहीं सकते हैं कि ये जो होल्डिंग बढ़ा है, शो कॉज नोटिस जो आया था इंटरिम ऑर्डर दूसरा, उसके पहले बाय किया हुआ है कि उसके बाद में बाय किया हुआ है। बट हो सकता है इंटरिम ऑर्डर आने के पहले ही इन्होंने अपना होल्डिंग बढ़ा लिया होगा, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने इंडेक्स जो फंड होता है उनका, वो बैलेंसिंग करने के हिसाब से भी अपना होल्डिंग बढ़ाया होगा। बट ओवरऑल पॉजिटिव बात यह है कि इनका होल्डिंग बढ़कर आया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड का होल्डिंग बढ़कर आया है तो हमें तुरंत जाकर बाय करना है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब तक एक स्ट्रांग अपवर्ड सर्किट लगता नहीं है या कोई पॉजिटिव धमाकेदार न्यूज़ आती नहीं है, जब तक आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, एवरेजिंग या बाइंग करने की कोशिश नहीं करना है, बाकी मर्जी आपकी है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा अभी वेट करना चाहिए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ कंपनी की ओर से आ जाए, जैसे कि कोई नया CEO CFO अपॉइंट हो जाए, ऑडिटर की कोई न्यूज़ आ जाए, या जो प्रेफरेंशियल शेयर्स है उसको कैंसिल करने की न्यूज़ आ जाए, या मनी कॉल करने की न्यूज़ आ जाए, या SEBI की ओर से कोई एक्शन आ जाए, ऐसा कुछ हुआ तो काफ़ी हमें कॉन्फिडेंटली हम लोग बाय कर सकते हैं, नहीं तो ट्रैप भी हो सकते हैं। हालांकि डेली वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये हम रोज़ देख रहे हैं, तो ऐसा लगता तो है कि कुछ ही दिनों में हमें अपर सर्किट देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी डर का माहौल बना हुआ है। बट पॉजिटिव बात यह है कि म्यूचुअल फंड का होल्डिंग बढ़ा है, तो ये हमारे लिए एक रिलैक्सेशन की बात है कि चलो कुछ तो पॉजिटिव आ रहा है। हालांकि अभी बाकी म्यूचुअल फंड का जो डेटा है अभी तक जो है अपडेट नहीं हुआ है, अभी तक निप्पो और मोतीलाल ओसवाल का ही हुआ है, बट दोनों ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है अगस्त के महीने में। हालांकि इन्होंने होल्डिंग जो है शो कॉज नोटिस के पहले या फिर इंट्री और सेकेंड इंट्री ऑर्डर के पहले ही बढ़ाए होंगे, ये हम जानते हैं। बट फिर भी कोई बात नहीं, जो ये जो न्यूज़ आई है इससे थोड़ी बहुत तो हमें कॉन्फिडेंस है कि म्यूचुअल फंड भी बाय कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होगा, और ये लोग भी कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे ही, जिसके कारण शेयर के प्रॉब्लम सॉल्व हो, क्योंकि उनका भी पैसा लगा हुआ है। हालांकि म्यूचुअल फंड के साइज़ के हिसाब से जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो ज़्यादा नहीं है, बट होल्डिंग बढ़कर आई है, यही हमारे लिए पॉजिटिव बात है। आशा करते हैं ऐसे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ 2-4 आ जाए और शेयर घूम जाए और चला जाए अपर सर्किट में। देखते हैं कल शुक्रवार को क्या होता है और कब हमें अपर सर्किट देखने को मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स।